नाता जी बहुत बहुत गंभीर और अंतर मन से मैं बात करना चाहता हूं। आप लोगों से भी आशा है मेरी कि इसको गंभीरता से लेकर सुने और मेरी भावना को समझने की कोशिश करें। जब ये हरदीप डंग पहली बार बीजेपी के साथ हरियाणा में एक होटल में गया, वो होटल थी 100 एकड़ की होटल, जिसमें जो नौकर चाकर सो, जिसमें 200-300 कमरे हो और 100 एकड़ में होटल हो, उसमें केवल 40-50 लोग थे जिस दिन ये वहां गए थे, बाकी पूरी होटल खाली थी। मैं और दिग्विजय सिंह जी का बेटा जयवर्धन सिंह, हमें कमलनाथ जी ने कहा कि उस होटल में अपने 10-12 विधायक रुके हैं, जीतू जाओ और जरा देखो कैसे क्या बात कर सकते हैं उनसे। तो मुझे भरोसा था हरदीप डंग पे। मैंने उनसे कहा कि सर कैसा भी है, वो चला गया होगा, गुस्से में होगा, पर मेरा दोस्त मैं जानता हूं, उसको 2 बार मैंने टिकट दिलवाई है, ये धोखा नहीं देगा, सरदार है, बात वाला है, पैसे में बिकेगा भी नहीं। मैंने उसकी पैरवी की थी, मैं अंतर आत्मा से मेरी भावना को समझने की कोशिश करना। जब मैंने होटल में पीछे के रास्ते से दीवार बांध कर प्रवेश किया तो अंधेरा ही अंधेरा। जिस विधायक से हमारी रामबाई बीएसपी की विधायक थी उससे बातें हो रही थी, कितने विधायक है, कौन कौन है, कौन कहां ठहरा है। जब मैं अंदर गया तो आप विश्वास नहीं करें, रामबाई जब मुझे मिली बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि भैया हमें कहा कुछ गया, कहा कुछ और गया और लेके आ गए और कुछ और करवा रहा है। मैंने कहा कौन कौन विधायक है, तो उसने नाम बताया 7 विधायकों के, जिसमें बिसाऊ लाल सिंह कांग्रेस के विधायक आपके साथ मंत्री थे, आदिवासी नेता, उनके पास वो हमें लेके गई, जैसे तैसे छुपते छुपाते जब वो लेके गई तो मैंने बिसाऊ लाल जी को तैयार किया कि साहब अपनी सरकार है, मैंडेट हमें प्रदेश की जनता ने दिया है, हम सब मिलकर फिर से एक नया भविष्य बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी का भी और प्रदेश का। देखो मैंडेट 15 साल बाद जनता ने हमें विश्वास किया, आप गड़बड़ मत कर। जैसे तैसे बिसाऊ लाल जी तैयार हुए, उनके साथ मैंने जयवर्धन सिंह जी को रामबाई और बिसाऊ लाल सिंह के साथ जयवर्धन सिंह जी को एक कमरे में छोड़ा, और मैं जब हरदीप डंग को ढूंढने के लिए विश्वास से भरोसा से बाहर निकला तो उस अंधेरी होटल में, आप बिलीव नहीं करें, जैसे फिल्मों में जैसे दृश्य देखते हैं, इतनी दूर जहां गणपति वहां लाइट था, यह लाइट था, फिर इधर और 500 फीट लाइट था, बीच में अंधेरा ही अंधेरा, पूरी 100 एकड़ की होटल, कैसे ढूंढू मैं हरदीप डंग, फिर भी मैंने यहां से वहां, वहां से वहां 50 कमरे छाने, छुपते छुपाते, ये भी डर था कोई देख नहीं ले, हम तो चोरी से गए थे उस होटल में। आप विश्वास नहीं करोगे नाटा जी, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था, एक मेरे से भी लंबा व्यक्ति मेरे साथ आया, थोड़ी देर मेरे साथ साथ चलता रहा, फिर थोड़ी देर बाद 2 लोग हो रहा है, फिर 4 लोग हो रहा है, ऐसे 25-30 लोग हो गए। फिर उस व्यक्ति ने मुझे कहा, जो पहला आया था लीडर उनकी टीम का, उसने कहा भैया हम ये सरकार गिराने के ठेके लेते और माने सर की इस होटल से हम 3 सरकारें गिरा चुके। नाटा जी ये ताली बजाने की अपनी जगह बात हो सकती है, पर सुहासरा के पावन परिवार के लोगों, मेरे परिवार के बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के भाइयों, युवा साथी, वो 1.5 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना था, उसने मेरे पे गन रिवाल्वर अड़ाई और कहा जीतू भैया हम आपको जानते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी, आप यहाँ से चले जाओ, इसी में आपका भला है। मेरे पास कुछ नहीं था, अकेला था, 20 लोग थे, जयवर्धन और उनके साथ मैंने उनको छोड़ दिया था, ऐसे में मेरे को किस तरीके से मैं बचता बचाता है, तो आज थी मुझे कि हरदीप डंग जब मुझे देखेगा इस संकट में तो मेरा साथ देगा। मैंने उसको टिकट दिलाई, नेता बनाया, पर आप विश्वास नहीं करो, मेरी जान पे आई तब भी आपने मेरे पास नहीं आया, याद रखना, ये बहुत मार्मिक बात है, वो जरूर विपक्ष का है, पर जब वो मेरा दोस्त था, मेरी पार्टी में था, मैंने उस पर विश्वास किया था, जब मेरी जान हथेली पे थी, पर वो एक शब्द नहीं बोला, बाहर निकल के नहीं आए, कमरे में से देखता रहा कि जीतू बटवारी की क्या हालत हो रही है। जब मेरा नहीं हुआ तो सुहासरा की जनता का हो सकता है क्या? अरे मेरा नहीं हुआ तो सुहासरा की जनता का हो सकता है क्या? इस घटना के दौरान सीतामऊ की जनता ने अपने आक्रोश को स्वरूप दिया और सरकार की किसानों के प्रति नाकामियों पर व्यक्त किया।
इस आलेख में हम इस जन आक्रोश यात्रा के महत्व और प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यात्रा का महत्व। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ जनता के आक्रोश और असंतोष को आवाज देने के लिए जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। किसानों की लागत दोगुनी हो गई है और आय आधी हो गई है, फिर भी शिवराज सरकार किसानों के मुआवजे के प्रति उदासीन दिख रही है। प्रमुख दिलचस्पी तब्दीली है कि यह यात्रा किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए निकाली जा रही है और किसानों के उचित मुआवजे और मूल्य की मांग को आगे बढ़ा रही है। पटवारी की मांग। जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि वह अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए किसानों को उचित मुआवजा दें, किसानों को फसलों का उचित मूल्य दें। पटवारी ने कहा कि यदि सरकार किसानों की जायज मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तो उसे आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। जनसभा में उम्मीद की किरणें। भानपुरा के बाद गरोठ विधानसभा के लिए निकली जन आक्रोश यात्रा को रास्ते में आने वाले छोटे छोटे गांवों में भी व्यापक जनसमर्थन मिला। गरोठ पहुंचकर रैली के रूप में तब्दील हुई यात्रा में उपस्थित विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देगी और दूसरे तरीकों से उसे वसूल भी कर लेगी। यह यात्रा किसानों की मांगों को उचित ध्यान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और उनके हकों की रक्षा करने के लिए एक सकारात्मक पहलू है। निष्कर्ष। जन आक्रोश रैली के जरिए कांग्रेस ने शिवराज सरकार के किसानों के प्रति असफलता को दर्शाया है और उनके आक्रोश को स्वरूप दिया है। इस आलेख के माध्यम से हमने देखा कि कैसे किसानों के मुआवजे और मूल्यों की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक सकारात्मक कदम उठाया है और किसानों के अधिकारों की रक्षा की ओर बढ़ रही है।